सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इससे पहले जितनी भी वीडियो में आप लोगों ने अपना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग का जो मुर्गा है फाइटर, वो अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रहा है, काफ़ी कमज़ोर है, सुस्त है, तो उसके लिए क्या करें, कौन सी खुराक उसको दें। इससे पहले भी एक वीडियो बनाए थे, तो जाके वो वीडियो देखेगा, वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और बता दी जाए कि हम लोग अपने बच्चों को खिलाते क्या हैं, जो हम लोग के चिलगोज़े हैं उन लोग को खिलाते क्या है। तो ये रही वो गज़ा आप लोग देख रहे हैं, ये किसी भी मटन शॉप पे जाके 20-30 रुपए का आप लोग ख़रीद के अपने मुर्गों को खिला सकते हैं, और इससे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है, हेल्दी भी रहते हैं और तंदुरुस्त भी रहते हैं। तो हफ्ते में एक दो बार ये भी हम लोग अपने बच्चों को खिलाते हैं। और ये देखिए सब लोग जो है आ गए। ये रहा मेरा शेर, ये देखिए कितने प्यार से लोग खा रहे हैं, और एक भी पीस बचेगा नहीं, बड़े हो चाहे बच्चे सब लोग बड़े प्यार से इसको खाते हैं। और हमारा जो गिनी फाउल का बच्चा है वो भी देखिए खा रहा है। तो ये रही वो गज़ा, बाजरा और अंडा, देसी अंडा आप लोग देख रहे हैं, और इसको मिला के फिर बताते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। इसको अच्छे से जो है मिला लेंगे। तो ये अच्छी तरीके से मिलके रेडी हो गया, और अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 से 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे कि ये जो छोटे छोटे बबल हैं ये गायब हो जाए, और जो बाजरा है वो अंडे को अच्छे से सोख ले। और जब सोख लेगा, 1 से 2 दिन हो जाएंगे, तब उसके बाद इसको हम लोग क्या है मुर्गे को खिलाएंगे, और किस तरीके से खिलाना है तो वो भी आप लोग को बताया जाएगा। और अभी बाहर आए हुए हैं आप लोग को दिखाने के लिए कि जो अभी हम लोग ने दिया था मुर्गों को खाने को खुराक, वो ख़त्म हो चुकी है, गायब हो चुकी है। ये देखिए दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये और वो ब्राउन वाली, ये दो लोग हैं इस ग्रुप की, नट्टीन। कुछ भी डालिए, किसी को नहीं खाने देंगी, खुद ही खा डालेंगी। ये ब्राउन वाली और ये कल्लो, ये देखिए अभी भी खा चुकी है, पेट भरा है, लेकिन देख रहे हैं अभी भी बीन रही है। बाजरा थोड़ा बहुत डाल दिया था यहाँ पे बाजरा, और ये बेचारी को कुछ नहीं मिल पाता है। अभी सब खा लिए, अब देखिए आराम। ये है इन लोग का आराम करने की जगह, पेट जगह है यहाँ पे। और पिछले कुछ दिन से कोहरा था, इधर 2 दिन से धूप निकल रही है, तो देख रहे हैं बच्चे उच्चे सब आराम कर रहे हैं, वो देखिए। और ये है मेरे जिगर का छल्ला, एक बार बड़ा हो जाए तो क्या खूबसूरत लगेगा ये। इसको हेल्दी रखने के लिए क्या क्या नहीं खिला रहे इसको। तो आज है day 2, और ये जो डाइट थी वो सूख गई है। सूखने के बाद देखिए किस तरीके से लग रही है। जो अंडा था वो बाजरे ने पूरा सोख लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, और अभी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, बट इन लोगों को खिलाने लायक बन गया, ये देखिए। तो इसको क्या करेंगे, अच्छे से फोड़ लेंगे, दाना दाना कर लेंगे। ये देखिए ये आ गई अभी खाने, ये देखिए। इसको इस तरीके से फोड़ लेंगे, दाना दाना इसका अलग अलग कर लेंगे। अगर आपका मन करे तो और बच्चों को, मुर्गियों को भी खिला सकते हैं, या चाहें तो सिर्फ मुर्गों को ही खिला सकते हैं। जाड़े में काफ़ी असरदार है ये। लो आओ आओ, आओ। तो अभी है क्या कि इन लोग का पेट जो है वो भरा हुआ है, इस वजह से इन लोग सही से खा नहीं रहे हैं।
और अगर इन लोग को खिलाना है तो सबसे सही टाइम है कि आप लोग सुबह सुबह खोलिएगा इन लोग को, क्योंकि खाली पेट रहते हैं तो उस समय बहुत अच्छे से खाएंगे। और इसको आप लोग मुर्गियों को भी खिला सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, जाड़े में खिलाइएगा। और अगर आप लोग का मुर्गा गर्म नहीं है, ठंडा है, मतलब परफॉर्मेंस वो अच्छी नहीं दे रहा है और आप लोग लड़ाई के लिए उसको तैयार कर रहे हैं, तो उसको ये दे सकते हैं। तो ये रही छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। और अगर आप लोग चैनल बनाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।